सारे देश के तमाम संत जना ने गर्भकाल के बच्चे नो जन्म के बच्चे नो ब्रह्मज्ञानी मनिया। बचपना ब्रह्मज्ञानी नहीं, ना जवानी ना वृद्ध अवस्था। हर मनुख की एक अवस्था ऐसी है जो ब्रह्म ज्ञान कहलाती है, एक अवस्था ऐसी है जिदे च उह संत है। इंज कह लो जन्म समय हर मनुख संत है, मरण समय करीबन करीबन बहुत सारे दैती होंदे ने। जन्म सारियां लई सफल है, मरण सफल नहीं है। और पूर्ण सफल उसनों मनीए जिसका मरना सफल हो गया। जन्म ते सारियां दा संतां दी तरह है, गर्भकाल विच सारे दे सारे संत ने। संत समाधि दे चौंदा है, गर्भकाल दा बच्चा समाधि दे च है। अगर पृथ्वी ते आके जीवन प्राप्त करके अगर कुछ अभ्यासी भोरा लगदे रहे ने, जमीन दे थल्ले जाके गुफा दे च बैठ के अभ्यास करन दी कोशिश करदे रहे ने, पहाड़ां दीयां गुफावां दे च बैठ के साधना करदे रहे ने, ए पहाड़ दी गुफा मां दा गर्भ, ए धरती दे थल्ले दी गुफा ए मां दा गर्भ, चेत अचेत अवस्था दे च ए उस गर्भ दी तलाश च है जिस दे च ए समाधि लीन रह चुके है। जिस दे च इसने समाधि दा आनंद माणिया है, ए उसे थां नूं लभ रहा है। ए भोरा नहीं लभ रहा, ए गर्भ लभ रहा है। ए गुफा नहीं लभ रहा, ए गर्भ लभ रहा है। और अज भी साधक लोगों नूं गुफावां प्रभावित करदियां ने। अज भी अभ्यासी लोग करीबन करीबन सोचते ने धरती की गोद दे चले जाइए। धरती की गोद मां की कुख है, धरती की गोद मां का गर्भ है, पहाड़ां दी ए गुफा दरअसल मां का गर्भ है। उत्थे समाधि लीन सी और ये सोचता है ये गर्भमयी अवस्था इत्थे बन जाए, बाहर भी बन जाए तो शायद मैं समाधि लीन हो सकूं, शायद मैं समाधि स्थित हो सका। ये गल्ला सच दे उत्ते मबनी ने, हकीकत दे उत्ते मबनी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, पहले पहरे रहण के वण जा रहा मित्रा, हुक्म पाया गर्भास उर्ध तप अंतर करे वण जा रहा मित्रा, कसम से दी अरदास। भावे शरीर उल्टा सी, ध्यान सिद्धा सी, अरदास कर रहा सी, प्रार्थना कर रहा सी प्रभु दे अगो, समाधि लीन सी। कहिंदे ने मन खिंडदा है कुछ वेख के, मन खिंडदा है कुछ सुन के, मन खिंडदा है कुछ स्पर्श करके। इंद्रियां जैसे जैसे स्पर्श कर दिया ने, मन दा उतना ही ज्यादा खिंडा होंदा है। हाथ नेड़ों स्पर्श कर सकदा है, कान ते अखां दूरों स्पर्श कर दिया ने, रूप नूं अख दूरों ही वेख लैंदी है। तो जिथे दृष्टि रुकी अख ने स्पर्श की था किसे रूप नूं, कन ने कोई दूरों ध्वनि सुनी है तो कन ने स्पर्श किया आवाज नूं। कन दी जितने तक पहुंच है और अख जितनी दूर तो स्पर्श कर सकती है, हाथ इतना दूर तक स्पर्श नहीं कर सकता। यदि तो मामूली जिया वित्त है और छुएगा स्पर्श करेगा, अख बड़ी दूर तक जाती है और दूरों छूंदी है। समाधि लीन पुरुष अपने इंद्रियां नूं रोक लेंदा है, ना उसकी अख संसार नूं वेखदी है, ना कन संसार नूं सुनदे ने, ना रसना संसारी बोल बोलदी है, ना संसार नूं चखदी है, ना खलड़ी संसार नूं स्पर्श करदी है, ना नासका संसार नूं सूंघदी है। कहिंदे ने बाहर गुफा दे समाधि च बैठा होया मनुख ऐसा है जैसे गर्भकाल विच पिया होया बच्चा। ये जन्म अवस्था है, जीवन भर मनुख जन्म काल लभ रहे अपना। अगर एक बुढ़ा भी जन्म दिन मना रहे है, ये गल वखरी है
कि जन्म उसनु मनदे ने जिस दिन गर्भ तो बाहर आंदे ने नहीं उस दी कशिश नहीं है उते जीवन कोई जीवन नहीं है बचपना की जीवन है मुथाजी दा जीवन है पर आश्रित जीवन है बहुत मुथाज है पैर है न चल नहीं सकता हाथ है गे ने कुछ कर नहीं सकता जबान है बोल नहीं सकता इति सारी दी सारी मुथाजी है मां ना होवे प्यो ना होवे पैणा ना होवन भरा ना होवन दूसरा ना होवे इति परवरिशी नहीं हो सकती इस जन्म दी इतनी चाहत इतनी तड़प नहीं हो सकती कि जीवन भर बंदा जन्मदिन मनावे ये जन्म नहीं है जन्म है जिस दिन गर्भ धारण कीता ये उसे मनांदा है उसे नु याद करदा है क्यों ओ आनंदमय सी ओ खेड़े ते खुशियां दी गल सी आम जगत नु पता नहीं बच्चा गर्भ तो बाहर आया तो ढोल बजदे ने बधाईयां लड्डू नहीं लड्डू उस दिन ही वंडने चाहिए ने जिस दिन मां नु महसूस होवे कि बच्चा गर्भ विच प्रवेश कर गया जन्म हो गया उसका और वो बच्चा खुशी विच है बच्चा खेड़े विच है घर विच लड्डूआं लड्डू वंडने चाहिए ने गीत गाने चाहिए ने ओही ते समय है मंगल धुनिया दा और उस मंगल धुनी विच मां जीवे और मां दिया इना शुभ विचारां दा असर बच्चे ते पवे चाहिदा ते सी जितने चिर तक ए बच्चा जन्म काल विच है घर दे सत्संग चलना चाहिदा है कथा कीर्तन चलनी चाहिदी है आनंद मंगल धुनिया गूंजनिया चाहिदियां ने मां नू प्रभु दे गीत गाने चाहिदे ने घर दा वातावरण ऐसा खुशियां दा बनाना चाहिदा है कि ए जो जन्म विच बच्चा आया है ए जीवन भर जगत नू खुशियां दे सके इत्थे मां नू रज रज के खुशियां देईए ते मां रज रज के उस बच्चे दी झोली च खुशियां पा सके ताकि फिर जद इस बच्चे नू जीवन प्राप्त होवे बचपना जवानी बुढ़ेपा प्राप्त होवे ते ए संसार नू खुशियां वंड सके आनंद दे सके पर अज तक संसार विच इस ढंग दी प्रक्रिया प्रचलित नहीं हो सकी उसे नू जन्म मनदे ने जब गर्भ तो बच्चा बाहर आ गया उन कुछ भी नहीं होना हुण ते जैसी ए संस्कार लेके आ गया जो कुछ इस नू मां तो मिल चुके है हुण ते जीवन उसे चाल नाल चलेगा पर पहले कुछ कीता जा सकदा सी पहले कुछ सुधार कीता जा सकदा सी पहले इस दी जीवन यात्रा नू सही जो है सेध दित्ती जा सकदी सी तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण करदे ने उत्थे समाधि लीन सी क्यों कि इंद्रे रुके हुए सन मन टिके होया सी ध्यान गमन करदा है इंद्रियां दे राही कुछ देखण नू नहीं है ध्यान किथे जावे कुछ सुनण नू ही नहीं है ध्यान किथे जावे और कुछ चखण नू नहीं है तो रसना की मंगे कुछ स्पर्श करण नू नहीं है कुछ सूंघण नू नहीं है ठीक है कि यह समाधि प्राकृतिक है प्रभु दी देन है प्रभु दी कृपा है लेकिन बाद देच जीवन काल देच अगर साधना करके भी कोई संत समाधि लीन होया तो फिर उसने यही आख्या तेरी कृपा तेरी बख्शिश तेरी रहमत अगर प्रथम जन्म काल दी समाधि तेरी क्रिया सी तेरी कृपा सी तेरी बख्शिश सी तेरी रहमत सी तो जीवन काल दी ए समाधि भी तेरी बख्शिश है तेरी रहमत है तेरी कृपा है वास्तविक ये तेरी ही मेर है ऐसा बार बार संतां दा कहना ये अनुभव दिच गल आ चुकी है आखिर उस बच्चे ने मां दे गर्भ काल दे की मेहनत की थी कि समाधि लीन हो है इते सुते से दूसनु प्राप्त है इधर उसनु जन्म मिलिया इधर इसने गर्भ दे प्रवेश कीता समाधि दे ही प्रवेश कीता जन्म तो समाधि मिली अगर सारा जीवन समाधि लई तड़पदा है एकाग्रता लई तड़पदा है आनंद लई तड़पदा है तो दरअसल इंज कह दईए जन्म लई तड़पदा है यह गल वखरी है कि इनू फिर पुठे रूप विच मनाया जांदा है जन्म दिन मना के जन्म दिन मना के जद कौन दसे जन्म दिन ते समाधि दिन है जन्म दिन ते ओ है जद गर्भ विच तू प्रवेश कीता सी ते तू एक योगी सी तू एक संत सी तू एक भगत सी
जितने बच्चे है माता दे गर्भ दे चने अजे बाहर नहीं आए, अजे उन्हां नूं बचपना नसीब नहीं होया, ये सब संत ने जीवन प्राप्त करके हो सकता है कोई दुष्ट होवे, कोई चंडाल होवे, कोई चोर होवे, कोई डकैत होवे, कोई झूठा होवे, कोई बेईमान होवे, कोई परोपकारी होवे, और कोई उगा राजनीतिक होवे, कोई उगा व्यापारी होवे, कोई दार्शनिक ते फिलोसफर होवे, इस तरह वख वख होवन, लेकिन गर्भ दे ते सारे संत ने। भगत कबीर जी महाराज ते कहिंदे ने गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदे ते सब उत्पाती। गर्भ काल विच कोई जात पात भी नहीं, वर्ण भी नहीं, मुल्क भी नहीं। यकीन जानो जद भी कोई संत समाधि लीन आउंदा है सारा संसार उसका मुल्क आउंदा है, उसके मुल्क की कोई सीमा नहीं आउंदी, सारा विश्व उसका मुल्क आउंदा है, और वह जद भी माण करेगा सारे संसार ते माण करेगा, सारा संसार मेरा मुल्क है, ते जद सारा ब्रह्मंड मेरा मुल्क है तो सारे जीव मेरे सखा ने, मेरे भाई बंद ने, और जे सारे उस एक तो आए ने तो फिर सारे का प्यो भी एक है, एक पिता एक सके हम वारक तू मेरा गुरहाई। बड़ी सार्थक पंक्ति है। संत लई कोई वरन नहीं, अगर वरन भेख दे कोई जी रहा है वह अजे संत नहीं, जात पात दे मान ते मनोत दे कोई जी रहा है वह संत नहीं, देश दा मान, कौम दा मान, प्रांत दा मान, ये भी फोके मान ने, संत करदा है प्रभु ते मान, संत करदा है विश्व ते मान, वो जद भी कल्याण चाहता है विश्व दा कल्याण चाहता है, सिर्फ एक सीमा तक किसी खित्ते दा नहीं, वो जद भी भला मंगता है सारे विश्व दा भला मंगता है। गुरु नानक दी रसना दे बोल जो बार बार निकलते सन, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। तो गर्भवास ते जात पात नहीं है, वर्ण भेख नहीं है, कुल जात नहीं है, चक्र चैन नहीं है, नाम वरण नहीं है, कुछ भी नहीं है। अहंकार पैदा हो सके ऐसा कुछ भी नहीं, अहंकार पैदा होता है वर्ण तो, जात तो, कुल तो, धन संपदा तो, मान वड्याई तो, पूजा प्रतिष्ठा तो, इस सब कुछ नहीं है। सुते सिर निरंकारमयी जीवन है, अहंकार ते है ही नहीं। इधर जीवन प्राप्त होया ते जीवन अहंकार आश्रित हो जाता है, फिर जीवन दी सारी गड्डी अहंकार दे आसरे ते चलती है, फिर इस गड्डी नूं खिंचदा है अहंकार, ते अहंकार दी जिहड़ी यात्रा है उह तवाइयां दी तरफ है। अहंकार कित्थे लै जाएगा? बार बार जन्म ते मरण विच। अहंकार कित्थे लै जाएगा? बंधना विच, दुख ते संताप विच। गर्भकाल दा जो बच्चा है यह निरंकार आश्रित है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने कि हुक्म पया गर्भास उर्ध तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम से थी अरदास। आम साडे देश की यह पुराणक गाथा है कि चक्र व्यो दा ज्ञान अभिमनु ने माता दे गर्भ विच प्राप्त कर लिया, ते जे अभिमनु प्राप्त कर सकता है ता कोई भी बच्चा गर्भकाल विच दर्शन फिलसफा कला संगीत दा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, हर तरह दा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बशर्ते मां उस लई सहायक बने, मां उस लई मददगार बने। तो कोई भी महान चित्रकार बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है, फिलोसोफर बन सकता है, भगत बन सकता है, संत बन सकता है, पर मुनस्सर है मां दे, सहारा मां दा चाहिदा है। यही कारण है कि बाद विच इस तरह के जो महान मनुख होए उन्होंने जीवन भर मां दे गीत गाए और आख्या ए मां तू धन है, तेरे सहारे नाल असी महान होए, तेरे सहारे नाल असी उत्तम होए, तेरे सहारे नाल असी इन्ना बुलंदियां नूं छोया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, पहले पहरे
रैण के वण जारिया मित्रा हुकम पया गरबास उर्द तप अंतर करे वण जारिया मित्रा खसम से ती अरदास खसम से ती अरदास वखाने उर्द ध्यान लेव लागा नामर जात आया कल भीतर बहुड़ जासी नांगा। गर्भ काल विच बच्चा नंगा है, बस्तर नहीं, कपड़ा नहीं। कपड़े साड़ी इजाद ने प्रभु दी नहीं, प्रभु ने जन्म नंगा ही दिता। और असी देखते हैं कि गर्भ का यह नंगा बच्चा भी नंगा प्रतीत नहीं होता। यह तो इंज लगता है जैसे फुल ते फुलां नूं ढकण दी कोई लोड़ है नहीं, गंदगी नूं ढकण दी लोड़ है। गर्भकाल तो जैसे बच्चा बाहर आया गंदा होया, जबकि आम सोचनी यह है, साइंस की सोचनी यह है कि गर्भ विच गंदा सी, हुण बाहर आया इस नूं साफ करो, सुथरा करो, पवित्र करो। जबकि धर्म की दृष्टि यह कहती है कि गर्भ विच पवित्र सी, बाहर आके अपवित्र हो गया, इनू ढकण की लोड़ पै गई है, कपड़िया की लोड़ पै गई है। ये अंदर ते पवित्र सी, ये बाहर आके अपवित्र हो गया है। हुण बस्तर चाहिए ने। बहुर मुताला करके वेखो, किसी भी फुल नू ढकण की लोड़ नहीं। गुलिस्तां चमनिस्तां इखड़े हुए फुल इतने नंगे ही चंगे ने, पर जिहड़ी गंदगी है ये ढकी हुई चंगी है, ये कजी हुई चंगी है। जन्म सारियां दा पवित्र सी नंगा है, जीवन अनंत लोकां दा अपवित्र है, ढकिया होया है, कजे होया है। इस वास्ते असीं ये भी देखते हैं कि कदी कदी जब कोई उस गर्भमयी अवस्था नूं प्राप्त हो जाता है, उन्हों अपने वस्त्रां दी परवाह नहीं रहिंदी, उन्हों अपने कपड़ियां दी परवाह नहीं रहिंदी। कोई गल नहीं, एक कुपीन ही सही, कोई गल नहीं, तन ते एक मामूली जिहा चोला ही सही, कई दफा ये भी ना सही। सरमद जैसा इस्लामी सूफी फकीर भी यह कहता है कि पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दीद बे ऐबारा लिबास अरियानी दावत। आप कहते ने जो बेऐब ने उन्हों का लिबास की है नगन था, और जो ऐब वाले ने उन्हों लिबास की लोड़ है, कपड़िया लोड़ है। क्रोध है, लोभ है, मोह है, अंकार है, तृष्णा है, वासना है। चलो पहले तो इसनों कपड़िया नाल ढकी है, फिर होर अनेक तौर तरीके ने ढकण दे, पहले तो कपड़िया नाल ढकी है। परमात्मा ने जन्म दिता नंगा ही जन्म दिता, गर्भ दे बच्चा नंगा ही है। जीवन प्राप्त होंदे ही ढकना पैंदा है, कजना पैंदा है। ये नंगा क्यों है? इते फुल है, इते गुलाब दा फुल है, इते चमेली दा फुल है, है ये फुल। ये गल वखरी, कोई वक वक हो सकता है, कोई गेंदे दा फुल हो सकता है, कोई कमल दा फुल हो सकता है, कोई गुलाब दा फुल हो सकता है, कोई चमेली दा फुल हो सकता है। सारे फुल ते किसी भी फुल नूं ढकण दी लोड़ नहीं, सारे ही फुल खूबसूरत ने, सारे फुल जो है सुगंधित ने। शायद यही कारण है कि जीवन भर मनुख दे प्राणा दे चे प्यास रहिंदी है कि मैं प्रभु दे चरणा दे फुल अर्पण करा। तमाम वड्डे वड्डे मंदिर, खानकावां, गुरुद्वारे जिथे हजारां मन फुल रोज चढ़दे ने, दिन भर यात्री फुल चढ़ा रहे ने, दिन भर भगत जन श्रद्धालु लोग फुल भेट पे करदे ने। दरअसल ये भी उस अपने पुराने पन नू याद करना है कि हे प्रभु, जद असी फुल दी तरह सी तेरे चरणा विच उदों असी भेट सी, जद असी फुल दी तरह सी उदों असी तेरे हत्थां च सी, जदों असी फुल दी तरह सी उदों असी तेरे गले दा शिंगार सी, जदों असी फुल दी तरह सी उदों असी तेरी गोद दे सी, असी समाधि दे सी। हे प्रभु, तू जन्म दिता फुल दी तरह, पर जैसे जीवन मिलिया
फुल फुल ना रहा, जीवन गंदगी दा ढेर हो गया, ते जीवन भर मनुख बनस्पति दे फुल तोड़ तोड़ के प्रभु नू अर्पण करदा रहा, भेंट करदा रहा। कबीर जी इस भेटा नाल कोई पूर्ण तौर ते सहमत भी नहीं। आप कहंदे ने पाती तोरे मालनी, पाती पाती जीओ, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जीओ, भूली मालनी है एहो सतगुर जागता है देहो। ऐ मालन तू बिल्कुल भूली है, फुल ते चढ़े हुए ने प्रभु नू, ये बूटियां नाल लगे हुए फुल तेनू ऐसा नहीं पर वह प्रतीत होंदा कि ईश्वर दे चरणा दे अर्पित ने, समर्पित ने, लीन ने। तू तोड़ के प्रभु चरणा तो अलग कीता है, ये फुल नहीं तोड़े, फुलां नू तू प्रभु चरणा तो वख कीता है। मैं इस क्रिया नाल सहमत नहीं होवांगा, मैं ये फुल उत्थे नहीं अर्पण करांगा। जिथे तू अर्पण करन जा रही है उस नाल ते ज्यादा जिंद जान है फुल दे। माल न भूली जग भुलाना हम भुलाने ना है, सारा जगत भुलिया पे, ये मालन भी भोली पई है, सोचती है कि मैं ये फुल प्रभु दे चरना च अर्पण होवा। कौन दसे जिस दिन तू फुल दी तरह होवेगा स्वयं, उस दिन प्रभु दे चरना दे समर्पित होवेगा, अर्पित होवेगा। एक क्रिया ही मनुख भूल गया तो जन्म काल ते फुल सी। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे भावे नंगा सी, भावे नगन सी, पर ध्यान मगन सी। नगन फिरत रंग एक के ओ शोभा पाए, पाट पटंबर बिरथिया जै रच लो भाए। तरह तरह दे रेशमी ते कीमती कपड़िया ने जे तेनू संसार नाल जोड़ दिता है ते तुच्छ ने ए कपड़े, पर जे नगनता ने तेनू निरंकार नाल जोड़ दिता है तो ए नगनता भी फुल दी तरह है, पावन है, पवित्र है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, उर्द ध्यान लिव लागा नाम रजाग आया कल भीतर, बहुड़ जासी नांगा जैसी कलम बुड़ी है मस्तक, तैसी जीअड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकम पया गरवास। जिस तरह दी कलम मत्थे ते फिर गई, हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती। एक कलम इस तरह दी नहीं कि किसे वक्त चलदी होवे, किसे वक्त बंद हो गई होवे, बस एक तरह फिर गई, सारियां दे लेख लिखे गए। किस तरह जैसे जैसे जीव कर्म करते ने नाल दे नाल संस्कार लिखे जा रहे, बनते जा रहे ने, और जिस तरह दे नाल ए संस्कारां दा ढांचा बनता जाता है उस तरह दे गर्भ पृथ्वी दे उत्ते उपलब्ध ने, उस तरह दा गर्भ प्रवेश हो जाता है। गर्भ प्रवेश जन्म प्राप्ति है, गर्भ प्रवेश उसे ढंग नाल आउंदा है जो कि प्रभु दा हुक्म है, जो कि जो है प्रभु दी मर्यादा है कि जैसे कर्म वैसे संस्कार, और जैसे संस्कारां दा ढांचा बनता है वैसे ही अगले जन्म दे उस तरह दा जो है गर्भ प्राप्त होंदा है। जैसी कलम वुड़ी है मस्तक तैसी जीअड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकम पया गर्भास। रात दे पहले पैर दे कोई सौंदा नहीं। उंज भी साडे देश दे नैतिक पुरुषा ने कहा, प्रथम पहर ने सोमना तीनो नरक समान, भोजन करना पतत घर रजब घाट इशनान, प्रथम पैर ने सोमना तीनो नरक समान। पत दे घर दा पापी दे घर दा भोजन छकना, जिथे धोबी कपड़े धोवे उस घाट ते इशनान करना, ते रात दे पहले पैर दे सो जाना, ए तीनो ही नरक समान है। जीवन रूपी रात दा पहला पैर की सी गर्भकाल, उस दिच कोई भी नहीं सौंदा। जैसे पहले पहर रात दिच कोई सौंदा नहीं, इस तरह गर्भकाल दिच कोई भी बच्चा सुत्ता होया नहीं, समाधि लीन है। वो नींद नहीं समाधि है, पर जद जीवन प्राप्त हो जाता है
फिर ते देखिया कई दफा नींद लई भी तरस जांदा है, समाधि ते बहुत दूर। जीवन तो जागृत अवस्था तो दूर है नींद, ते नींद तो दूर है समाधि। ये फासले ने गर्भकाल विच बच्चा समाधि दे च है, जीवन प्राप्त होया हुण 20-20 घंटे सुत्ता पे है, 21-21 घंटे सुत्ता पे है, समाधि नींद बन गई। 2-4 साल का हो गया है हुण जागृत है, हुण नींद जागृत बन गई। बुढ़ेपा है हुण ते नींद लई तरस गया है, समाधि ते बहुत दूर बहुत दूर। लंबा फासला हो गया है, जीवन तड़पदा रहिंदा है समाधि लई जो माता दे गर्भ दे नसीब सी, जीवन भर तड़पदा रहिंदा है नींद लई जो प्रथम अवस्था बनी सी। इस तरीके नाल सारी जिंदगी मनुख अपनी विरकत कर लेंदा है, दुखद कर लेंदा है। साहिब कहंदे ने जैसी कलम उड़ी है मस्तक, तैसी जीड़े पास, कहो नानक प्राणी पहले पैरे हुकम पया गर्भास। पहला पैर इस तरह जागदियां होया कटिया, इस तरह समाधि दे जो है कटिया। दूजा पैर, तीजा पैर, चौथा पैर। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जिस दार्शनिक ढंग नाल, जिस आलमाना ढंग नाल साड़ी ये जीवन कथा लिखी है, जो साड़ी ये जन्म कथा लिखी है, ए दुनिया दे पहले महापुरुष ने जिन्होंने हर मनुख दी जन्म कथा लिख दी, हर मनुख दी जीवन कथा लिख दी। कोई ज्योतिष शास्त्र अज तक सही ढंग दी जन्म कुंडली नहीं बना सकिया, कारण के जन्म ते है ही होई जिस दिन जीव ने गर्भ विच प्रवेश कीता। इस वास्ते जन्म कथा जो गुरु नानक देव जी महाराज लिख रहे ने ते दस रहे ने, यही साड़ी जन्म कथा है, और बाकी तीन पैरां विच गुरु नानक देव जी महाराज साड़ी जीवन कथा साड़े सामने रखणगे। इस तरह हर मनुख दे अंदर ये जिहड़ी तड़प है अपने जन्म दे संबंध विच, अपने जीवन दे संबंध विच, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी तों इस प्यास दी पूर्ति कीती जा सकदी है। वैसे ते ये चार पैरे गुरु नानक देव जी महाराज ने लिखे ने, पर नाले ही गुरु रामदास जी महाराज ने लिख दिते ने, नाले ही गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिख दिते ने। कमाल दी गल, मनुख दी कथा नूं, जन्म कथा नूं पहले पातशाह भी लिखन, चौथे पातशाह भी लिखन, पंजवे पातशाह भी लिखन। इस तरह की कथा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बार बार रिपीट होवे, बार बार पुनरुकत होवे, और 3-4 दफा पुनरुकत होवे। दरअसल सतगुरु चाहते ने ऐ बंदे छड़ तू ऋषि मुनिया दी जीवन कथा नो, जन्म कथा नो, अपनी जन्म कथा पढ़। तेरी जन्म कथा भी ऋषि दी जन्म कथा है, तेरी जन्म कथा भी अवतार दी जन्म कथा है, तेरी जन्म कथा भी पीर पैगंबर दी जन्म कथा है। तो इस पासे आ, इस वास्ते एक बहुत महान उद्यम ते शलाघा योग कदम इस पासे गुरु नानक देव जी महाराज ने चुके है। सारे जगत दे मनुखां दी जीवन कथा ते जन्म कथा सामने जो है रख दिती है। जन्म कथा ते ए है कि गर्भवास दे तू समाधि लीन सी, आनंदमई सी, खेड़े ते खुशियां दी सी। जीवन कथा तेरी की है, ए साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने ढंग नाल बयान करदे ने।